लीजिए सुनिए कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। खुशी से भरे हैं आप, हम जानते हैं, क्योंकि आज का विषय ही कुछ ऐसा है। खुशी के बारे में अपनी अपनी बात कह रहे हैं हमारे श्रोता। लिखते हैं, संसार के हर एक इंसान की कुछ न कुछ आकांक्षाएं होती ही है, और उन आकांक्षाओं के पूरा होते ही उस इंसान को खुश हो जाना एक स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां तलाश लेते हैं। मैं अपनी खुशी की बात कहूं तो परोपकार, किसी बुजुर्ग की सेवा, किसी असहाय की मदद करके ईश्वर का दिया हुआ जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस संतुष्टि के साथ कोई भी ऐसा कार्य जो मेरे द्वारा करने से सामने वाले को खुशी मिल सकती है, तो उस कार्य को करके उसकी खुशी में ही खुश हो लेता हूं। क्या बात है। आज के कार्यक्रम का ये पहला गाना किस फिल्म से आपको सुना रहे हैं आप हमें बताइए, और गाने वाले की यानी गायक कलाकारों की आवाजें भी पहचानिए। स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत। जी हाँ दोस्तों, बर्फी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, जवाब बिल्कुल सही है।
आप सब अपनी अपनी बात लिख रहे हैं खुशी के बारे में, खुशी की व्याख्या, खुशी की परिभाषा आपके नजर में क्या है। श्रोता लिखते हैं, हमारी श्रोता ने कहा है कि खुशी का सीधा संबंध मन, मस्तिष्क एवं भावनाओं से होता है। जब हम अपनी पसंद का कोई काम करते हैं या हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें खुशी की अनुभूति होती है। जीवन में हमें जितना मिला है, हमें ईश्वर ने दे दिया है, अगर हम उससे संतुष्ट हैं तो हम बहुत खुश हैं। मेरी तो यही सोच है। वैसे सबसे बड़ी खुशी रेडियो पर अपना कमेंट सुनकर होती है, आपने सच कहा। और संतुष्टि की बात जहां तक है कि हमारे श्रोताओं ने आज स्वीकार कर लिया इस बात को कि जितना समय ये कार्यक्रम आज सुनने को मिल रहा है उसमें भी खुश है हमारे श्रोता, है ना। हारेगा जब कोई बाजी तभी तो होगी किसी की जी। बिल्कुल सही आपने पहचाना है, 1972 की फिल्म एक बार मुस्कुरा दो का ये गाना है किशोर कुमार की आवाज में। क्या आप जानते हैं किसकी कलम से ये गीत उतरा है, संगीतकार कौन है, बताइए गीतकार और संगीतकार के नाम। आमी रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। खुशी तूने पाई ऐ दोस्त, मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। मुझे ना मिली जो वो खुशी तूने पाई ऐ दोस्त, मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। दुआ मेरे दिल की, दुआ मेरे दिल की दामन में ना समाए, तुझे प्यार मिले इतना जीवन में ना समाए। मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। मीत मेरा छीन लिया, मीत मेरा छीन लिया तूने छब दिखा के, सदा उसे रखना पलकों पे तू बिठा के। इतना सुख देना जीवन में ना समाए, यूं रस बरसाना आंगन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में न
ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए, मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। गीतकार इंदिवर, संगीतकार रूपी नैयर, दोनों जवाब सही है। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं आपकी कमेंट की ओर। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जीवन का हर पल हमें खुशियां दे सकता है यदि हम इस समय हमेशा खुशियां खोजें। किसी इंसान का मन जब खुश होता है तो वो बहुत सहज महसूस करता है, वही जब उसके मन में तनाव होता है तो स्वाभाविक रूप से मन में रहने वाली खुशी न जाने कहां गुम हो जाती है। खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अपने गुणों को समझते हैं। वे व्यक्ति जीवन में अधिक खुश रहते हैं जिनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। और आगे एक श्रोता का कहना है कि किसी कार्यक्रम विशेष में कमेंट पढ़े जाने को ही कोई व्यक्ति खुश मानता है तो वो क्षणभंगुर है, क्योंकि न पढ़े जाने पर व्यक्ति निराश हो जाता है। इससे जो पढ़े जाने की उम्मीद में थोड़ी बहुत खुशी आई थी वो भी प्रभावहीन हो जाती है। सच तो यह है कि खुश रहना अपने बस में होता है, चाहे आसपास के लोग हों या परिस्थितियां, जो हो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना खुशी का पर्याय है। मीन में एक निकालने से तो थाली में परोसा गया भोजन भी शरीर को नहीं लगता। बेहतर होगा कि हम जो है जैसा है कि सिद्धांत पर चलते रहें, तो मजाल है कि खुशी इधर उधर भाग जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। खुशी के लिए स्वीकार करना, जैसी है परिस्थिति, जो भी है, जितना भी मिला है हमें, उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। चलिए कार्यक्रम में अगला गाना तुरंत फुरत आपके लिए आ रहा है। फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इस गीत को रविंद्र जैन ने लिखा और स्वरबद्ध किया है। आपको बचाना है, बताना है गायक कलाकारों के नाम। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। Yeah.
खुशी से वो दीवाना हो जाए। बिल्कुल आपने सही लिखा है श्रोताओं, इस गीत में यशुदास, हेमलता और वनश्री दासगुप्ता की आवाजें थी। और हमारी एक श्रोता का कमेंट है, खुशी की व्याख्या हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहना, असंभव बातों से दूर रहना, मन भावन चीजें पाने के लिए कार्यरत रहना, इन बातों से खुशियां हम पर जरूर प्रसन्न रहेंगी। सुंदर सदाबहार प्रकृति का सहचर्य, प्रेरक मनोरंजक लेखन, साहित्य का सौंदर्य, संजीवक सुरीले संगीत का माधुर्य और अच्छे इंसानों का सहचर्य, ये बातें मुझे और मेरी खुशी के लिए अनिवार्य लगती हैं। और उसी के बाद अगले एक श्रोता का कमेंट है, लिखती है, मुझे मेरे कमेंट्स पढ़ी जाती है खुशी होती है, लेकिन नहीं पढ़ी जाए तब भी दुख नहीं होता। इसके दो कारण हैं, एक तो वो पढ़ने लायक शायद ना होगी, या हमारे प्यारे उद्घोषकों को जरूर दिखी नहीं होगी। हमारे उद्घोषक बड़ी मेहनत से प्रोग्राम बनाते हैं, हमें उनको हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ने का दोष नहीं दे सकते हैं। भाई कोई तो समझ रहा है हमें। हमारे सभी श्रोता बहुत समझदार हैं और इसी बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं और अगला गीत आपको सुनवाते हैं 1949 की फिल्म। जी हाँ, फिल्म का नाम बताइए। मुकेश की आवाज में ये गाना है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, संगीत नौशाद का। दिल का दर्द मिला है किसी को, मन का मीत हो, गाओ
खुशी के गीत हो, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। देखो तो कितना खुश है जमाना, दिल में उमंगे लपे तराना, दिल जो दुखे आंसू न बहाना। ये तो यहाँ का ढंग पुराना, इसको मिटाना उसको बनाना, इस नगरी की रीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, झूम झूम के। सही लिखा है श्रोताओ आपने, ये 1949 की फिल्म अंदाज का गीत हम सुन रहे थे। बिल्कुल सही जवाब। इस गीत से पहले जो गीत हम सुन रहे थे उसके बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। ये गाना ठीक 16 साल पहले जब मैं जिससे प्यार करता था उससे मेरा विवाह हुआ और मुझे जो खुशी हुई मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब मुझे लगता है कि जो इंसान उम्मीद रखता है, जिस चीज़ को पाने की ख्वाहिश रखता है, अगर वो उसे मिल जाए तो उसे बड़ी खुशी उसके लिए और कोई नहीं हो सकती। लेकिन एक बात खास है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और हमारे एक नियमित श्रोता हैं, लिखती हैं खुशी के बारे में कि खुश रहने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें क्या करने से खुशी मिलती है ये अपनी व्यक्तिगत खोज है और ये खुद की शिनाख्त से ही मालूम होगा। काम की भागदौड़ के बीच कुछ पल रुक जाइए और पहचानिए उन छोटी छोटी खुशियों को जिनसे आप खुश हो जाते हैं। किसी दिन बहुत अच्छा कुछ पढ़ने को मिल जाए, कोई मनपसंद गीत मन में चल रहा हो और अनायासी रेडियो पर बजने लगे, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए और अपने आसपास की सुगंध को, संवेदना को महसूस करिए। ये छोटी छोटी खुशियां ही आपको जीवन से भर देगी। बहुत से लोग छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं लेते क्योंकि वे बड़ी खुशी का इंतजार कर रहे होते हैं। ये जीवन का सूत्र है, आप सबको खुश नहीं रख सकते और न ही हर कोई आपको खुश रख सकता है। आप खुश रह सकते हैं तो केवल अपने आप के साथ। तो चलिए अभी अपने आप को खुश रखिए और आगे बढ़िए। 1968 की फिल्म मेरे हुजूर का गीत आपके लिए आ रहा है। रफी साहब की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। क्या आप जानते हैं ये जो गाना आप सुनने वाले हैं, इस गीत में हम पर्दे पर किसको देखते हैं, कौन है इस फिल्म के दो नायक और एक नायिका? उसे कैसे मैं बताऊं जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं।
जनों का ये पयाम तुमको पहुँचे, मैं तुम्हारा हमनशीं हूँ, ये सलाम तुमको पहुँचे, उसे बंदगी मैं समझूं जो तुम्हारे काम आऊं, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं, हाँ जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं। कभी गम न तुम उठाना, कभी आए जो अंधेरे मुझे प्यार से बुलाना, मैं चराग हूँ वफादार, मैं तेरे जगमगाऊँ, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं, जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं। मकाम है तुम्हारा के खुदा के बाद लब पर बस नाम है तुम्हारा, मेरी आरज़ू यही है मैं तुम्हारे गीत गाऊं, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं, हाँ जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। बिल्कुल सही जवाब आप सभी श्रोताओं ने दिया है। मेरे हुजूर फिल्म का ये गाना फिल्माया गया राजकुमार, माला सिन्हा और जितेंद्र पर। और खुशी के बारे में हमारी श्रोता लिखती हैं, खुशी मन की एक अवस्था होती है जो हमें किसी सामान्य परिस्थिति में मिलती है। खुशी एक भाव है जो इस जीवन को जीने की एक ऊर्जा देती है। एक स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए भी खुशी मन ही जिम्मेदार होता है। पर सच्ची खुशी क्या है? सच्ची खुशी मन से खुश होना या चेहरे पर मुस्कान लाना नहीं होती, बल्कि सच्ची खुशी तो आत्मा के खुश होने पर आती है। आत्मा तब ही खुश हो सकती है जब उसका मिलन परमात्मा से हो। लेकिन सच्ची खुशी का अर्थ ही है जहां खुशी और संतोष दोनों हो, जिसमें ना किसी का अहित छुपा हो ना निज का स्वार्थ। और मुझे और मेरे पतिदेव को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब हमारे जीवन में सूरज की किरण बन हमारी बेटी आई थी। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं 1967 की फिल्म उपकार का गाना, जिसका जिक्र हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों में हो चुका है। लता जी की आवाज है, गुलशन बाबरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम, जो इस फिल्म के नायक भी हैं। खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे,
बिल्कुल सही जवाब, उपकार फिल्म के निर्देशक, फिल्म के नायक मनोज कुमार। और हमारी एक श्रोता क्या कहती हैं आपको बताते हैं। इंसान खुशी और सुकून की तलाश में भटकता रहता है पर मिलती नहीं। परिवार के हर सदस्य एक दूसरे को खुश रखना चाहते हैं। अपने बच्चों से, जीवन साथी से खुशी तो मिल जाती है, लेकिन मन अगर प्रफुल्लित हो तो छोटी छोटी बातों से मन खुश होता है। किसी बच्चे को हंसता हुआ देखकर खुशी मिलती, द्वेष भावना से अलग रहकर देखो खुशी चारों ओर है। मन चंगा तो कठौती में भी गंगा दिखती है। और हमारे एक वरिष्ठ श्रोता हैं, लिख रहे हैं कि श्रीमती जी द्वारा भोजन काल घोषित हो गया है, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए, खुशी दुगनी मिलेगी मुझे। भाई आपका न्योता पाकर हमारा पेट तो वैसे ही भर गया है। आपसे जो बातचीत हो रही है, स्नेहिल आदान प्रदान जो हमारे बीच होता है, उसी से हम बहुत खुश हो जाते हैं। धन्यवाद। और कार्यक्रम में ये जो गाना आप सुनेंगे 1970 की फिल्म का है, आपको फिल्म का नाम बताना है। मोहम्मद रफी की आवाज, रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। बताइए फिल्म का नाम। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी, खुश रहे। तुझको महफिल मिले, ओ जा मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले, आज मर्जी यही, आज मर्जी यही, ना खुदा है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे। दर्द दिल अब मेरे साथ ही जाएगा, मौत ही आखिरी, मौत ही आखिरी, बस दवा है मेरी, मौत ही आखिरी, बस दवा है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे। क्या बात है, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये खिलौना फिल्म का गीत हम सुन रहे थे। दरअसल खुशी को एक खुराक माना गया है। हर इंसान के लिए खुशी के पैमाने अलग अलग होते हैं। हमारे एक श्रोता का कहना है, किसी को घूमने में, किसी को खाने में, अच्छा खाने में, किसी को संगीत सुनने में, किसी को गीत गाने में, किसी को लिखने में, और तो और जब आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं वो भी खुशी का एहसास कराता है।
वैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप हर हाल में खुश रहे, क्योंकि प्रकृति जब हमें जिस हाल में भी रखती है तो उसमें हमारा बस नहीं होता और हमें हर हाल में खुश होना ही पड़ेगा, अन्यथा आप खुशियों से वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल सही आपने लिखा है। चलिए अब अगला गाना आपको तुरंत सुनवा रहे हैं, 1979 की फिल्म का, किशोर कुमार की आवाज है। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। यारो आओ खुशी मनाओ, यारो आओ खुशी मनाओ, आज से कॉलेज बंद है, 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 हल्ला गुल्ला शोर मचाओ, हल्ला गुल्ला शोर मचाओ, आज से कॉलेज बंद है, 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 यारो आओ खुशी मनाओ, हल्ला गुल्ला शोर मचाओ, हे मोटी मोटी सभी किताबें आज रख दो सालों में, मस्ती के अफसाने छेड़ो, आ जाओ दिल वालों में ऐश उड़ाओ, अरे मिलकर गाओ ऐश उड़ाओ मिलकर गाओ, आज से कॉलेज बंद है, 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 यारो आओ खुशी मनाओ, हल्ला गुल्ला शोर मचाओ, जितने भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये नक्श लियालपुरी का लिखा हुआ गाना था, संगीतकार खयाम। और कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर बढ़ने से पहले हमारे एक श्रोता का कमेंट आपको बताते हैं। लिखते हैं कि सही मायने में जीवन के स्तर पर खुशी का मतलब है आपके जीवन की ऊर्जाएं सामान्य स्थिति की तुलना में ज्यादा उल्लसित है। मूल रूप में खुशी का असली मतलब है एक तरह का आनंद और जीवन का उल्लास। सहज रूप से हमें जीवन जीने के स्वार्थों के उद्देश्य और अर्थ की भावना को संतुलित कर संतुष्टि और सरलता पूर्वक अपने कार्य में जुटे रहना सही खुशी की निशानी है। जीवन के प्रति ये उन्मुखीकरण और सभी पहलुओं की सार्थकता सिद्ध करती है कि खुशी कितनी शाश्वत और अटल है। खुशी अंधेरे में एक रोशनी की किरण है जो कि आप में हिम्मत बढ़ाती है, मार्ग दिखाती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और जीवन में अच्छी परिस्थिति का निर्माण करती है। यह है कार्यक्रम का अंतिम गीत, हिना फिल्म से, लता मंगेशकर का स्वर, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। आपको बताना है फिल्म हिना की उस नायिका का नाम जिन पर यह गीत फिल्माया गया। प्यारी खुश रंग ही ना,
बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। ज़ेबा बख्तियार पर यह गीत फिल्म हिना का फिल्माया गया था। और दोस्तों आज कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा खुशियां बटोर कर हमने आपके लिए प्रेषित की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खुशियों के लेन देन में शामिल होने के लिए। नमस्कार। ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा है, देश की सुरीली धड़कन। 2 बजने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।